गाइज वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो गुड इवनिंग एंड वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा टू यू ऑल। सो पिछले दो व्लॉग में आपने बहुत प्यार दिया और आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा। सो आज फिर से निकल गए हैं पार्ट थ्री बनाने के लिए पूजा पंडाल होपिंग का। और आज देखिए पूरा आउटफिट पूरा सज धज के निकले हैं हम और हेमंत। हम लोग जा रहे हैं अभी रातू रोड दुर्गा देवी मंडप, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ का आपको दिखाते हैं। बिकॉज पिछले व्लॉग में आपको जो दिखाया था वो अधूरा इनकम्प्लीट वर्क था वहाँ पर, और इस बार कम्प्लीट हो चुका है, ओपनिंग भी हो चुका है। चलिए ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करते हैं। দুর্গা রাগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঠাকের পিঠে পড়লো কাটি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। अभी जो आपने पंडाल देखा हुआ था रातों रोड कारर स्पोर्टिंग क्लब, और काफी भीड़ था उस दिन जो दिखाया था। उस दिन तो आपको आधा अधूरा काम दिखाया था, आज पूरा बन चुका है, पूरा लाइटिंग वगैरह ऑन था, इसीलिए आपको आज दिखाना बनता था। आवाज़ बहुत था वहाँ पे, मे भी मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ेगा। और अभी चल रहे हैं हम लोग पिस्का मोड़ की तरफ। पिस्का मोड़ की तरफ गैलेक्सी मॉल के जस्ट अपोजिट भी एक पंडाल बना है, तो बहुत खूबसूरत बना है वो भी। सो चलिए आपको वहाँ पे दिखाते हैं। तो अभी अपने लोग बढ़ रहे हैं गैलेक्सी मॉल की तरफ, गैलेक्सी मॉल के अपोजिट वाले पंडाल में जा रहे हैं। और पंडाल से पहले यहाँ पे देखिए क्या लाइटिंग है, मस्त सही लाइटिंग है यहाँ पे भी। और उस साइड जो आप देख रहे हैं वहाँ पे गैलेक्सी मॉल है, वो जो आप थोड़ा सा पार्ट निकला हुआ है, और उसके जस्ट अपोजिट में वहाँ पे पूजा पंडाल है। सो अभी वहीं पे चल रहे हैं। चलिए अंदर आपको चल के दिखाते हैं कैसा बना है। बिल्कुल फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया गया है। बाहर भी जैसा आपने देखा दो परी बनाया गया था और बीच में आउल बनाया हुआ है, और अंदर भी पूरा फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया है, पूरा वाइट वाइट फर पूरा लगा हुआ लटका हुआ है। गाइज ये था गैलेक्सी मॉल के अपोजिट वाला पंडाल, और अभी हम लोग जा रहे हैं हरमू की तरफ। हरमू वाला पंडाल ऑलरेडी आपको पहले दिखाया था जब बन रहा था, तो सो अभी चलते हैं वहाँ पे, कंप्लीट हो चुका है हरमू वाला पंडाल। सो कैसा लगा आपको ये वाला पंडाल? बहुत ही मस्त लगा, बहुत ही प्यारा बना है, पूरा फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट पूरा बनाया है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था, पूरा वाइट वाइट पूरा फेरी टेल वाला कॉन्सेप्ट, बाहर भी परी पूरा एकदम लगा रखा हुआ है और अंदर भी पूरा परी लगाया हुआ है। जी आप जरूर आइए यहाँ पे, यहाँ पे इतना भीड़ भी नहीं है, इसका मॉनुमेंट पड़ेगा गैलेक्सी मॉल के जस्ट अपोजिट में ये पड़ेगा। गाइस अब बढ़ते हैं हरमू वाले पंडाल के तरफ और हरमू वाला दिखाते हैं आपको। सो ये वीडियो वहीं से कंटिन्यू करते हैं हरमू के लिए। चलिए अभी आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते हैं। ये था हरमू वाला पंडाल,
और बहुत अच्छा बनाया है। आपको कैसा लगा यहाँ का? बहुत मस्त लग रहा है। यहाँ अलग अलग तरह से छजू बनाए हुए हैं, दर्शाया गया है कि बच्चे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, कोई कबड्डी खेल रहा है तो कोई फुटबॉल खेल रहा है। बहुत मजा आएगा देखने में पंडाल। और वहाँ पे चलते हैं, वो मेला देखते हैं, मेला भी वहाँ पे लगा, झूला वगैरह लगा है, अंदर मेला का मजा लेते हैं। गाइस ये है अरमू पूजा पंडाल का मेला, और यहाँ पे ड्रैगन वाला आपका ट्रेन है जिसमें आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। यहाँ पे ये बोट राइड है, और यहाँ पे है जॉइंट व्हील, जिसमें मेरे को बहुत डर लगता है। बस मेरे को ऊंचाई से, अब ऊपर से आता है ना वो स्पीड में, तो लगता है कैसे उड़ ही जाएंगे हम। और वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी जॉइंट व्हील मिनी व्हील है एक्चुअली वहाँ पे, और यहाँ पे भी छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे राइड है, वहाँ पे भी है, और वहाँ पे मिकी माउस भी है, तो बहुत सारे राइड्स हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। गाइस अभी अपन लोग आ गए हैं राजस्थान मित्र मंडल। राजस्थान मित्र मंडल का एग्जैक्ट एड्रेस बोले तो आपको सेवा सदन के पास में, सेवा सदन हॉस्पिटल है बड़ा तालाब के पास में वहाँ पे है, और यहाँ भी सुना था कि बहुत अच्छा बनाया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या बनाया है। गाइस ये है आपका राजस्थान मित्र मंडल का, और यहाँ पे बाहर से तो केव बनाया है, और अंदर का बाहर से तो दिख रहा है बहुत अच्छा है। चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर कैसा है। जो आपने देखा वो था राजस्थान मित्र मंडल, जो सेवा सदन के अपोजिट में है। सो यहाँ पे काफी अच्छा बनाया था, यहाँ पे पूरा नर्क का पूरा एकदम दिखाया था, जैसे जैसे पनिशमेंट मिलता है हर एक पनिशमेंट को यहाँ पे दर्शाया गया था। तो कैसा लगा आपको? आप गलती मत कीजिएगा, कुछ भी अगर गलती अगर कीजिएगा तो आपको नर्क सुधर जाओ, नहीं तो देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे नर्क का पनिशमेंट आपको यहाँ पे देख लिया आप। तो कुछ भी अगर गलती कीजिएगा तो ऐसे ही आपको पनिशमेंट मिलेगा नर्क में। जो राजस्थान मित्र मंडल वाला था ये जस्ट बड़ा तालाब के पास में है, और यहाँ से बड़ा तालाब मस्त दिख रहा है। अभी राजस्थान मित्र मंडल के बाद हम लोग जा रहे हैं OCC क्लब, जिसको बंगला स्कूल भी बोला जाता है। सो कल भी दिखाया था आपको कल वाले ब्लॉग में, बट फिर से आज एक बार कवर कर ही लेते हैं, थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाई देते हैं, बिकॉज बगल में ही आया था, सोचा एक और बार आ जाते हैं। OCC क्लब का, जो लोग मेरा इससे पहले का ब्लॉग नहीं देखे वो पहले का ब्लॉग देख लीजिए, आपको OCC क्लब का फुल कवरेज मिल जाएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल पूरा अच्छे से दिख जाएगा। जी था पंडाल OCC क्लब का, इससे पहले वाले ब्लॉग अगर कोई नहीं देखे होंगे तो वो देखेगा, उसमें OCC क्लब का पूरा कवर किया हुआ है, उसमें आपको पूरे अच्छे से डिटेल मिल जाएगा, पूरे अंदर बाहर सबका आपको पूरा मिल जाएगा, कैसा लुक है पंडाल का। सो चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे, और देखते हैं अभी डिसाइड करते हैं नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पे चलते हैं। सो गाइज अभी हम लोग घूम लिए, बहुत पैदल चलना पड़ा बिकॉज आज बहुत भीड़ है, और अभी अपन लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन वाला पंडाल, बिकॉज उस दिन जब गए थे तो वहाँ पे सब कुछ अंधेरा अंधेरा था, बनी रहा था। सो आज जाते हैं वहाँ का लाइटिंग वगैरह देखते हैं, और पंडाल में भी अंदर लाइट वगैरह जला रहेगा, सो वहाँ पे जाते हैं देखते हैं। आज चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा रांची रेलवे स्टेशन। कैसा लगा आज पैदल चल के? दो दिन तो आप आराम से स्कूटी में घूम रहे थे, तो सोच रहे हैं कि आज अगर ऐसा भीड़ है तो सातवीं आठवीं नवीं कैसा भीड़ रहेगा, ये तो भाई सोच से परे है, क्योंकि दो साल बाद लोग घूम रहे हैं। वही दो साल के बाद पूरा पूजा पंडाल लग रहा है, तो सबको पूरा टूट पड़े हैं पूरा घूमने में, घूमने के लिए। ओके
खैर अच्छे से घूमिए और सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से घूमिए। चलिए आपको दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का पंडाल। सो गाइस, प्लान में थोड़ा सडन चेंज हो गया, हम लोग आ गए हैं फिर से बकरी बाजार और आज यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पे भी भीड़ बहुत ज्यादा है और बहुत आवाज हो रहा है, तो वाइस नहीं आएगा। और मीन वाइज देखिए हेमंत क्या कर रहे हैं। अच्छा देखिए क्या भीड़ है आज यहाँ पे, भयंकर भीड़ है। कैसे बताइए, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब आज तीसरा दिन भी हम लोग बकरी बाजार ना करते करते आ ही गए। मतलब बकरी बाजार इतना टॉप पंडाल है रांची का कि हम लोग इससे पीछा छूटी नहीं रहा है, मतलब हर रोज घूमने निकलते हैं, बकरी बाजार आना मैंडेटरी हो गया है, हम लोग एकदम बकरी बाजार आ ही जा रहे हैं हर रोज, कहीं और गाड़ी कहीं और वही। तो फिर खैर अभी आ ही गए तो फिर से आपको थोड़ा सा दिखाई देते हैं यहाँ झलक बकरी बाजार का, और ये देखिए बकरी बाजार का झलक, और आज आपको भीड़ दिखाते हैं। दो दिन से आप देखे होंगे, फर्स्ट डे तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं था, सेकंड डे थोड़ा भीड़ था और आज देखिए खचाखच भीड़ बढ़ा हुआ है। भाई लोग मेरे को लगता है कि बकरी बाजार वाली जो है माता दी जो है हम लोग को हर रोज बुला लेती है। सो चलिए आज फिर से दिखाते हैं आपको बकरी बाजार के अंदर का दुर्गा माँ, तो एक बार और देखिए आप। और जो लोग मेरा ब्लॉग पिछला ब्लॉग नहीं देखे वो ब्लॉग देख लीजिएगा, पूरा पंडाल आपको दिखाया अच्छे से। और फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे बकरी बाजार का दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय माता दी। सो हेमंत जी कैसा लग रहा है आपको अंदर में फिर से, कल की तरह भी आज भी बहुत हर्षोल्लास से। तो आपको एक बार 360 व्यू दिखाते हैं। तो ये था 360 व्यू बकरी बाजार पंडाल के अंदर का, और धीरे धीरे तो भीड़ बढ़ते जा रहा है और कल से तो और भीड़ होगा, कल से तो बहुत भीड़ होगा, मेन पूजा चालू हो रहा है, चालू है। तो कल सप्तमी अठमी नवमी विजयदशमी बहुत भीड़, बहुत ही खचाखच भीड़ रहेगा। तो चलिए बहुत गर्मी लग रहा है अंदर, चलिए बाहर चलते हैं। ये है आपका झूला वगैरह बकरी बाजार का, लगता है मेरे को भाई साहब इस बार क्या भीड़ है आज, चारों ओर खचाखच खचाखच भीड़ ही है भीड़। हे गाइस, फाइनली हम लोग बकरी बाजार से निकल के अब आ गए हैं रांची रेलवे स्टेशन, और रांची रेलवे स्टेशन का दिखाते हैं आपको। अभी तो रास्ते में है, मतलब थोड़ा बाइक स्कूटी जो है पीछे पार्क किया है और अभी आगे जा रहे हैं पंडाल की तरफ, बिकॉज यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है, यहाँ से स्कूटी एंटर करने नहीं रहता है। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन तो पूरा पंडाल तक हम लोग स्कूटी लेके गए थे, बट अभी तो पूरा बन गया है और भीड़ भी काफ़ी है, तो चलिए आपको दिखाते हैं पंडाल में। अभी अपने पहुँचे गए अपन लोग रेलवे स्टेशन का पंडाल, जो कि यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है, और पिछले व्लॉग में भी इसको हमने कवर किया था जब ये इनकम्प्लीट था, बन ही रहा था उस समय, ये उतना लाइक सेटअप नहीं हुआ था यहाँ पे, और अभी सब कुछ सेटअप हो चुका है। सो देखिए ये हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन का पंडाल, और बहुत अच्छा है यहाँ का भी। पिछले व्लॉग में जब शूट करने आए थे ये सब सेटअप किया हुआ नहीं था, और अभी बाकी सब कुछ सेटअप हो चुका है। सो बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी, और पिछले व्लॉग में लाइटिंग वगैरह कुछ नहीं जला हुआ था, तो उसकी वजह से जो शो है, जो रियल पंडाल था उसका शोकेस नहीं हो पा रहा था। और अभी ये देखिए ये वाला जो रेनबो टाइप का पूरा एकदम बनाया हुआ है, ये पूरा बांस से बनाया है और पूरा लाइटिंग लगा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो ये एक पार्ट ऑफ अट्रैक्शन है जो पूरे पंडाल को चार चांद लगा रहा है। अंदर आपको और भी अच्छा मिलेगा, यहाँ से दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, अंदर चलते हैं अब अंदर दिखाते हैं कैसा है। भाई साहब ये क्या मस्त लग रहा है, पूरा लाइट जला हुआ है, तो
ये कुछ नहीं है टोकरी के शेप में, ये पूरा नेट से किया हुआ है और नेट में कलरफुल नेट यूज़ किया गया है और उसमें लाइट लगा दिया गया है, सो बहुत सही लुक आ रहा है। और ये देखिए पंडाल है भाई साहब, गजब का लग रहा है। अगर आपको सेंटर में लेके जाए तो दोनों साइड से ये जो लाइट्स हैं और बीच में पंडाल, बहुत सही लग रहा है। ये मशरूम थीम का बनाया हुआ है और लाइट में क्या गजब का लेकिन लुक आ रहा है यार, सही में सीरियसली ये वाला पंडाल दिल खुश कर दिया, बहुत सही लग रहा है यार। मतलब इससे बार बार वीडियो ऑन हो जा रहा है फ़ोन का, मतलब ये जो सीन है ना ये रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज कैमरा में जो वो उभर के आ रहा है ना वो आप देख ही रहे हैं, बहुत सही लग रहा है। आपको अगर 360 व्यू अगर दे इस पंडाल का तो ये देखिए गजब का व्यू है। तो भाई साहब फाइनली हो गया हमारा सारा पंडाल घूमना आज, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं बिकॉज थक गए हैं, बहुत पैदल चले हैं, नींद आ रही है, अब नींद भी आ रही है। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। सो व्लॉग अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आइए घूमने, आइए अच्छे से घूमिए, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। वर्चुअली तो मेरे साथ इंजॉय कर ही रहे हैं बट फिजिकली भी आप आइए, आई विल रिकमेंड, और इंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए एंड ख्याल रखिए। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया दिया मेरे दोनों व्लॉग में, दुर्गा पूजा का जो व्लॉग अपलोड किया दोनों व्लॉग, बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, टिल दैट टेक केयर, टाटा बाय बाय। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल दैट आप अच्छे से रहिए, घूमने जाइए एंड अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी दुर्गा पूजा।